हेलो एवरीवन दिस इज सुमित कुमार राणा फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट और डिस्कस अबाउट द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ठीक है कंप्लीट मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करूंगा और साथ में इससे रिलेटेड जितने भी आपके न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करूंगा ठीक है तो देखो फोर्स सबसे पहले बात आती फोर्स फोर्स क्या है तो फोर्स अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट है ना और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ बॉडी क्लियर है ना एंड द फोर्स इज इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स बेसिकली क्या बोल रहा हूं फोर्स लगाने वाला कोई सोर्स होगा और जिस पे फोर्स लग रहा वो ऑब्जेक्ट हो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फोर्स क्या है वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है दैट्स वाई फोर्स क्या फोर्स का मतलब पुश और पुल मान लो सपोज किसी पे, किसी चीज को मैं पुश कर रहा हूँ पुश कर रहा हूँ तो मैंने कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया फोर्स लगाया मैग्नीट्यूड का

कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी सपोज मान लो एक बुक रखा हुआ टेबल पे स्टेशनरी है उस पर आपने फोर्स लगाया बुक डिस तो क्या नहीं मूव करेगा इसीलिए यहां पर वर्ड यूज किया गया कैन मतलब फोर्स कैन मूव मूव कर भी सकता नहीं भी कर सकता बट वी आर अप्लाइंग फोर्स क्लियर है सेकेंड फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी अगर सपोज कोई दौड़ता हुआ आ रहा छोटा बच्चा कोई दौड़ता हुआ आ रहा पकड़ के उसे रोक लेते हो तो वो मूविंग बॉडी था आपने उसे रोक लिया तो वो क्या है किसके वजह से रुकी वो फोर्स के वजह से ठीक है नाउ आफ्टर दैट फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी सपोज मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ मेरे को किसी से किसी ने पीछे से फोर्स लगा तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी तो मेरी स्पीड जो बढ़ी किसके वजह से बढ़ी पीछे से जो किसी ने फोर्स लगाया मीन्स मेरी मोशन के डायरेक्शन में ही किसी ने फोर्स लगाया तो मेरी स्पीड क्या हुई इंक्रीज करी अगर सपोज मैं इस तरीके से चल रहा हूँ सामने से किसी ने फोर्स लगाया तो मेरी स्पीड क्या होगी डिक्रीज होगी मतलब फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी मीन्स फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी क्लियर है नाउ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी सपोज फुटबॉल आ रहा है मेरे पास मैंने फोर्स लगाया किक किया उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन हो तो उसकी शेप चेंज हो जाती है उसकी साइज चेंज हो जाती है तो क्यों चेंज हो, तो हो रहा है बिकॉज ऑफ फोर्स तो दैट आर द इफेक्ट दैट आर समेक्ट ऑफ फोर्स फोर्स लगने से क्या क्या बॉडी में हो सकते हैं क्लियर है तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स और फोर्स का डेफिनेशन मैंने बता रखा है नेक्स्ट देखते हैं अब फोर्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कि किसी बॉडी पे अगर ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं है ना किसी बॉडी पे ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो वो बैलेंस है या अनबैलेंस है तो देखो इफ अ नंबर ऑफ सबसे पहला बैलेंस फोर्स है ना बैलेंस फोर्स क्या इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट

सेंटर जो मैंने मार्क कर रखा <coughs> अब देखो ये ये दोनों पर्सन क्या करेगा इधर फोर्स लगा के पुल करेगा ये दोनों इधर फोर्स लगा के पुल करेगा यही बोला गया इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड दैट डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ अ मोशन डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी तो देखो अब ये यही का यही रहेगा आप अगर इस रोप पे रेड कलर का टेप लगा दो तो टेप की पोजिशन वही रहेगी ये क्यों हो रहा है क्योंकि जितना फोर्स इधर इन दोनों ने लगाया उतना फोर्स इन दोनों भी लगा करके क्या किए बैलेंस कर दिए फोर्स को दैट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स आप एग्जाम्पल देखो अ पर्सन होल्डिंग ब्रीफकेस इन हैंड कोई ब्रीफकेस है जो एक पर्सन ने अपने हाथ में होल्ड कर रखा होल्ड कर रखा मतलब उसकी ब्रीफकेस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है क्यों नहीं क्योंकि अर्थ उसे खींच रहा बट उस पर्सन ने हाथ से अपने हैंड के हेल्प से क्या किया ऊपर फोर्स लगा के बैलेंस कर रखा क्लियर है बुक रेस्टिंग ऑन टेबल दिस आर टेबल के ऊपर दैट अनबैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्या होता है इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन देन दे आर टर्म्ड एज अनबैलेंस फोर्स अगर किसी में ढेर सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाए ठीक है ना और यूनिफॉर्म मोशन में भी चेंज आए मतलब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा था उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो थे अब वो एक्सीट करने लग जाएगा तो उसमें उस चेंज आ जाए और उसकी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जा रहा अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर ले तो क्या होगा वैसे टाइम पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे दैट ऑल आर दैट आर अनबैलेंस फोर्स ठीक है सपोज सपोज ये थग ऑफ का मैंने जो दिया था example, इसमें इस दोनों न्यूटन लगा रखा था, इस वायर के उपर, इस रोप के ऊपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा करेगा ना तो ये क्यों हो रहा है क्योंकि अनबैलेंस फोर्स अब एक्ट करना स्टार्ट कर गया क्लियर है फॉर एग्जाम्पल क्या है स रिलीज फ्रॉम पर्सन हैंड अभी मैंने बोला था ब्रीफकेस होल्ड किया तो जितना वेट नीचे लग रहा उतना ऊपर की तरफ हाथ से उसके हाथ पर टेंशन लग रहा हो बैलेंस किया हुआ जैसे वो छोड़ देगा तो क्या होगा के ऊपर वेट लगेगा वो अनबैलेंस है वो नीचे गिरेगा देन आफ्टर दैट स्टोन ड्रॉप्ड किसी स्टोन को आप छोड़ दो देखो वो धीरे धीरे नीचे गिरता क्यों गिरता क्योंकि उसके ऊपर एक वेट लग रहा है नीचे की तरफ उसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है ही नहीं एंड दैट आर अनबैलेंस फोर्स क्लियर है ना नेक्स्ट देखो गैलीलियो अब जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से तो सबसे पहले गैलीलियो ने ऑब्जर्व करा था कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने देख किया था और कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा था क्या देखा था सबसे पहला उन्होंने इस तरीके का इंक्लाइन प्लेन बनाया क्लियर है जिसको आप वेज भी बोलते ना इंक्लाइन प्लेन बनाया और एक स्ट्रेट रोड लिया उन्होंने स्ट्रेट लाइन लिया

से इस पोजीशन पे क्या होगा स्पीड डिक्रीज कर जाएगा इफ इट इज रोल्ड ऑन होरिजेंटल फ्रिक्शन लेस प्लेन अगर होरिजेंटल फ्रिक्शन लेस प्लेन पे होल्ड रोल कर रहा द रिजल्ट मस्ट भी बिटवीन द केस डिस्क्राइब एव एंड स्पीड शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट अब उन्होंने क्या बोला कि ना ही स्पीड इसमें डिक्रीज करेगी ना ही इंक्रीज करेगी वो क्या होगा कांस्टेंट रहेगा क्लियर है ना <coughs> ये उन्होंने ऑब्जर्व करा देन आफ्टर दैट सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये परफॉर्म किया कि हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल उन्होंने लिया और क्या किया अ बॉल इज रिलीज ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मूथ हेमिसफेयर इट इज इट विल मूव टू द अदर साइड जब उन्होंने हॉलो हेमिस्फेयर स्मूथ हेमिसफेयर लिया उन्होंने और बॉल को यहाँ से रिलीज करा तो देखा यहाँ पे जाकर के बॉल सेम हाइट पे जाके थोड़े टाइम के लिए रुकेगी फिर वापस आएगी फिर यहां जाएगी इस तरीके का कंडीशन उन्होंने देखा और सेम हाइट तक पहुंची फिर सेकेंड उन्होंने क्या किया कि सेप को चेंज कर दिया और देखो अब पाथ थोड़ा लंबा हो गया लेकिन वो बॉल जब ड्रॉप किया गया तो लंबे पाथ को कवर करके उसी हाइट पे जाके रुक रही थी <coughs> ठीक है सेम हाइट पे गई बट लार्जर डिस्टेंस कवर किया थर्ड केस में उन्होंने क्या किया इस तरीके का सेप लिया और बॉल को जब ड्रॉप किया गया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करी आफ्टर दैट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया ठीक है ना और वो कभी रुका नहीं क्यों क्योंकि स्मूथ सरफेस है फ्रिक्शन सरफेस है तो उन्होंने फाइनली कंक्लूड यह किया क्या किया उन्होंने देखा दैट इफ अनबैलेंस फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन अ बॉडी जब कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करेगा द बॉडी विल इधर रिमेन एट रेस्ट और विल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब तक बॉडी क्या होगा उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगेगा देन होगा क्या वो एक्सिलेट करने लगेगा मीन्स अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी क्या होगा अनएक्सिलेटेड रहेगा मतलब इसके ऊपर ऊपर अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है बॉडी के उपर, तो होगा क्या वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा यूनिफॉर्म मोशन करेगा बट जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा वो क्या होगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा क्लियर है ना तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था तो ये स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है तो इसके पीछे रीजन क्या है तो फाइनली न्यूटन ने कंक्लूड किया और आइडिया और दिया है ना और उन्होंने लॉ बना दिया इन सारे ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद न्यूटन ने क्या करा कंक्लूड करके उन्होंने एक लॉ बना दिया ठीक है बेसिकली वी हैव थ्री लॉज ऑफ न्यूटन देखते वन बाई वन क्या बनाया उन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात करते हैं फर्स्ट लॉ क्या है एवरी बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड सम एक्सटर्नल फोर्स सारे बॉडी या तो रेस्ट में रहना चाहते हैं या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहते हैं इन स्ट्रेट लाइन जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे क्लियर है ना कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही करता रहेगा अगर कोई बॉडी रुका हुआ है वो रुका ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में क्लियर है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे इट मीन्स अ बॉडी रिमेन अनएक्सिलेटेड इफ ओनली इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन इज जीरो जब तक उस पर रिजल्टेंट फोर्स नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा वो बॉडी अनएक्सिलेटेड रहेगा वो एक्सिलेट नहीं करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा क्लियर है।, है और उस सिचुएशन में इन सच अ केस बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम और उस कंडीशन में बॉडी को क्या बोला जाएगा बॉडी इक्विलिब्रियम में है क्लियर है नाउ अब देखो एक आती इनर्सिया इनर्सिया क्या होता तो इनर्सिया क्या होता द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्सिया एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्सिया इनर्सिया क्या बोला गया कि वो टेंडेंसी बॉडी की कि वो अपोज करेगा किसी चेंज को है ना और कौन सी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में या रेस्ट पे है तो इनर्सिया बॉडी की जो टेंडेंसी होती है वो अपोज करती है वो चेंज आने देना नहीं चाहती है दैट इज द इनर्सिया और इनर्सिया डिपेंड करता है किसके ऊपर मास के ऊपर कैसे देखो वी नो दैट इट इज डिफिकल्ट टू मूव अ हेवियर बॉडी देन द लाइटर वन कोई अगर मान लो मेरे पास एक साइकिल है और एक बाइक है तो साइकिल के ऊपर मैं फोर्स तो साइकिल मूव कर जाएगा बट बाइक नहीं मूव करेगा बाइक के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी जाके मूव करेगा सिमिलरली इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग अगियर बॉडी देन द लाइटर बॉडी मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी अगर वो बाईसाइकिल और बाइक दोनों आ रहा है और मेरे को रोकना है तो बाईसाइकिल को रोक सकते हैं विथ लेस फोर्स बट बाइक को रोकने के लिए मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्लियर है दस वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इनर्सिया मोर द मास मोर इज द तो डिफरेंस क्या आया कि बाइक की मास ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बाईसाइकिल तो उसको रोकना डिफिकल्ट हो रहा था बाइक को तो इसीलिए जितनी ज्यादा मास होगी बॉडी का उतना ज्यादा क्या होगा इनर्सिया होगा क्लियर है बस यही कंक्लूड किया गया कि बेसिकली इनर्सिया डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी हायर द मास ऑफ द बॉडी हायर विल बी और मोर द मास बी इनर्सिया टेंडेंसी होती है किसी भी चेंज को अब वो कौन कौन से होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनर्सियाड इंटू थ्री कैटेगरी टाइप्स ऑफ इनर्सिया दस्ट वन इज इनर्सिया ऑफ रेस्ट अभी डेफिनेशन में भी आपने देखा था कि वो कोई बॉडी जब रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है तो उसी से है रिलेटेड देखो द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट सम एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड इनर्सिया कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा अगर कोई अनबैलेंस फोर्स लगा है एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स तो वो उसको अपोज करने की कोशिश करेगा दैट इज कॉल्ड इनर्सिया ऑफ रेस्ट उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं देखो आप फील किए और और रुकी हुई है सडनली जब बस या कार स्टार्ट होती है तो आप देखते हो पीछे की तरफ बेंड करते हो या पीछे की तरफ फॉल बैक करते हो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपकी कंप्लीट बॉडी क्या थी रेस्ट में थी सडनली जो पोर्शन बस के साथ अटैच था वो क्या हो गया मोशन में आ गया और हमारी बॉडी की टेंडेंसी अपोज करने की है ना वो आगे जाना नहीं चाहेगा इसकी वजह से क्या हुआ वो पीछे की तरफ आ गया ठीक है अ इफ इज प्लेस्ड ऑन द थिक कार्ड ओवर द माउथ ऑफ अ टम्बलर एंड द कार्ड इज गिवेन सडन जर्क द कॉइन विल ड्रॉप इन टू द टम्बलर देखो एक ग्लास लेना उसके ऊपर कार्ड को रखना थोड़ा सा थिक होना चाहिए कार्ड है ना सो दैट की फ्लिप करे तो वो बेंड ना हो जाए तो कार्ड के ऊपर कॉइन रखोगे तो देखो कार्ड को जब आप जर्क दोगे है ना हिट करोगे तो कार्ड क्या होगा निकल जाएगा बट कॉइन वहीं का वहीं रहेगा और नीचे गिर जाएगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्ड को आपने फोर्स लगाया उसमें चेंज आ गया बट कॉइन जो कि बेस में अटैच था उसमें चेंज आने देना नहीं चाह रहा था इनर्सिया ना वो अपने अंदर चेंज आने नहीं देगा तो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखना चाहेगा और रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहेगा इस वजह से कॉइन नीचे गिर जाता आगे की तरफ नहीं जाता क्लियर है नेक्स्ट ऑफ मोशन ये क्या बताता कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा है ना यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे अगर वो स्ट्रेट लाइन में है ठीक है देखो टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज इट्स स्टेट ऑफ मोशन देखो क्या होगा केयरलेसली गेटिंग डॉन मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड देखते हो कभी कभी बस चलते रहती तो आप गिर जाओ जंप करते हो या तो देखते हो उसको आगे गिरते हुए एक्चुअली होता क्या बस मोशन में था आपकी बॉडी बस के साथ मोशन में तो बॉडी अपनी मोशन स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा अब जैसे ही आपने जंप लगाया सडनली आपके पैर क्या हो गए रेस्ट में आ गए बट बॉडी की एबिलिटी क्या है इनर्सी ऑफ मोशन वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करना चाहेगा इसीलिए वो आगे चले गया और गिर गया क्लियर है देन आफ्टर दैट वी रिमूव स्नो और मड फ्रॉम आवर सू बाई स्टिकिंग देम अगेंस्ट द वॉल देखते कभी कभी आपके जूते के सूखे के सोल में मड मिट्टी लग जाते हैं तो कैसे उसको निकालते हो हीट करते हो ना दीवार पे हीट करते हो तो हीट किया तो हुआ क्या सू मोशन में उसके साथ सोयल पार्टिकल मोशन में अब जैसे आपने हीट किया तो सॉयल पार्टिकल मोशन में सडनली हीट होते ही क्या होगा वो पार्टिकल जो था वो रेस्ट में ठीक है जैसे हीट किया सु रेस्ट में आ गई पार्टिकल क्या करेंगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे अपनी मोशन को तो वो कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे इस वजह से वो क्या होते हैं सू से बाहर चले हैं क्लियर है नो इनर्सी ऑफ डायरेक्शन द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इन इट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्सी ऑफ डायरेक्शन कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो अपोज कर रहा है दैट अपोजिंग इज कॉल्ड इनर्सी ऑफ डायरेक्शन क्लियर ना जैसे कोई बॉडी है अब अब फील फील किए किए क्या हो कि अगर किसी किसी बस में और किसी कार में और कार बैठे हो तो जब कार टर्न लेती तो आप बाहर की तरफ चले जाते हो है ना तो हुआ क्या वहां पे यही इनर्सी ऑफ डायरेक्शन कार टर्न ली कार ऐसे जा रही थी आपकी बॉडी उसी मोशन को कंटिन्यू करना चाहिए बट कार ने टर्न ले लिया इस वजह से क्या हो गया आपकी बॉडी बाहर की तरफ निकल जाते बाहर की तरफ चले जाते हैं क्लियर है ना तो देखो एग्जाम्पल इफ टर्न लेती है तो आप बाहर की तरफ फोर्स फील करते हो बाहर की तरफ चले जाते हो क्यों चले जाते हो क्योंकि आपकी मोशन वो कंटिन्यू करना चाहता डायरेक्शन में सडनली चेंज आ गया और वो चेंज आने देना नहीं चाहता उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहता

किसी पॉइंट पे अगर वो स्ट्रिंग टूट जाएगा तो देखो इस पॉइंट पे वो ऐसा करके टेंजेंशियली फ्लाई कर जाएगा इसका रीजन क्या है इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है है ना वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहेगा इस वजह से वो फ्लाई ऑफ हो जाते हैं क्लियर है तो दिस दीज आर द टाइप्स ऑफ इनर्सिया इनर्सिया ऑफ रेस्ट इनर्सिया ऑफ मोशन और इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन नाउ आफ्टर दैट देखो अभी जो मैंने स्टोन का बनाया था यह स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग अगर ब्रेक होगा तो स्टोन इस, इस तरीके से टेंजेंशियली क्या होगा फ्लाई हो जाएगा क्लियर है मोमेंटम और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यह था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं <coughs> देखो मोमेंटम न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए मोमेंटम का क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम इसलिए पहले मोमेंटम को पढ़ना है देन आफ्टर दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो देखो मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल में भी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस बाय द बाय इट है ना कोई बॉडी मोशन में है तो कितने क्वांटिटी है उसके पास वो क्वांटिटी कितना पोज कर रहा दैट इज कॉल्ड मोमेंटम और इट इज मेजर्ड बाई प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी मीन मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इन टू वेटी तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी दैट्स मोमेंटम इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए इसको देखो मोमेंटम p इज इक्वल टू एम बी जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ उसके ऊपर देखो बार का साइन है दिस बार सॉरी दिस एरो का साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर को क्लियर है ना तो दिस इज मोमेंटम एम भी अब मोमेंटम तो समझ गए क्या होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और उस मोमेंटम की यूनिट क्या होती है तो देखो अभी मैंने मोमेंटम इज इक्वल टू लिखा था मास इन वेलोसिटी तो मास की क्या होगी के वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड तो के मीटर पर सेकेंड विच इज नथिंग बट न्यूटन सेकेंड न्यूटन सेकेंड कैसे लिखा गया ये भी आपको पता लग जाएगा अभी ठीक है न्यूटन सेकेंड कैसे लिखा गया और डाइन सेकेंड कैसे लिखा गया अभी तो ये क्लियर है ना दैट इज एम भी सेकेंड न्यूटन सेकेंड कैसे लिखा गया ये मैं आगे बताऊंगा क्लियर जब impulse की बात करूंगा देन आफ्टर दैट मोमेंटम समझ गए अब न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या बोला था स्टेटमेंट देख लेते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है

तो क्या हुआ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर गई वी से और उसकी वेलोसिटी वी बन गई और कितने टाइम में टी टाइम में क्लियर है यू इज द इनिशियल वेलोसिटी वी इज द फाइनल वेलोसिटी एफ इज द फोर्स अप्लाइड एंड इज़ द टाइम टेकन क्लियर है नाउ मोमेंटम को भी मैंने लिखा था एम भी तो इनिशियली वो यू स्पीड से चल रहा था तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज पी वन इज इक्वल टू एम इन टू यू और फाइनली वो v वेलोसिटी से चलने लगा आफ्टर टी टाइम तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा m इन वी क्लियर है अब चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है किसी चीज का चेंज का मतलब क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल तो चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी इज इक्वल टू पी टू माइनस पी वन दैट इज एम वी माइनस एम यू है ना चेंज का मतलब यही होता है ना जो आप बेसिकली डेल्टा से लिखते फाइनल माइनस इनिशियल है ना अब देखो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोर्शनल टू ऑफ मोमेंटम को क्या लिखा जा सकता है ना <coughs> अब लॉ बोला था फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख दिया गया अब आपको मालूम है यहां से एम को कॉमन ले लिया गया भू बाई टी ये एक्सप्रेशन होता है एक्सीलरेशन का तो मैं m को वहीं रहने दिया माइनस यू बाई टी को एक्सीलरेशन पुट कर दिया और साइन को हटा के एक इंट्रोड्यूस कर दिया गया एफ इज इक्वल टू के एम ए अब के इसकी वैल्यू क्या होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी जब आप मास को वन के जी लोगे है ना और एक्सीलरेशन को वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे तो आपको यहां पे फोर्स मिलेगा वन न्यूटन का क्लियर है ना तो देखो एक्चुअली हो क्या रहा इफ वन न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास वन के जी एक के जी मास है बॉडी की मास क्या लिए हो वन के जी उस पर फोर्स लगा वन न्यूटन का तो एक्सीलरेशन कितना होगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास तो ये कितना होगा वन होगा होगा ना अब यहां पे देखो जब एक्सीलरेशन वन हो गया देन आफ्टर दैट अब फिर से टू लो टू लो तो चेंज देखो फिर से आएगा टू आएगा हर भारी एक का एक का शिफ्ट हो रहा मीन के की वैल्यू क्या हो गई वन हो गया क्लियर है एक्सीलरेशन क्या है? आया आया वन ना एक्सीलरेशन को वन पुट किया गया के की वैल्यू क्या गई? आ गई वन आ गए क्लियर है ना के की वैल्यू वन आ गई तो के की जगह पे वन पुट करोगे तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा मास इंटू एक्सिलोरेशन क्लियर है मेरी बात है ना नाउ आफ्टर दैट यहां पे के की वैल्यू वन आई के को पुट किया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन हो गया अब लिख सकता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस जो मैग्नीट्यूड आपका रिजल्टेंट फोर्स का होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा किसके इक्वल होगा फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन आप फोर्स लगाओगे बॉडी उधर लॉ के हेल्प से फर्स्ट लॉ को हमें क्या करना बताना एक्सप्लेन करना सेकेंड लॉ क्या बोला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इफ देर इज नो फोर्स देर इज नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और इफ

अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है सेकेंड लॉ से आपने देखा दैट इज फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू आपने देखा ना दैट मास इनटू एक्सीलरेशन तो मास को वही दो तो एक्सीलरेशन को क्या लिखा जा सकता व्यू माइनस यू अपॉन टी तो एम बी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी लिखा जा सकता है ना ये फोर्स तो देखो यही एक्सप्रेशन लिखा गया स फोर्स इज जीरो बॉडी पे लग रही है जीरो होना चाहिए तो फोर्स जीरो हो गया कंडीशन फर्स्ट लॉ वाला मैंने पुट कर दिया तो फोर्स यहाँ पे जीरो यह हो गया तो जीरो हो गया तो एम बी माइनस एमयू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो तो t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से इधर जाएगा तो क्या होगा एम बी माइनस एमयूजल टू जीरो क्या है v आफ्टर टाइम बॉडी की पहले जो वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी है मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा और यूनिफॉर्म मोशन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा या फोर्स लग रहा तो नेट बैलेंस फोर्स वहां पे क्या हो रहा

रेस्ट को क्लियर है नाउ आफ्टर दैट अब इस पे मैं क्या कर रहा हूं एरो लगा दे रहा हूं मींस क्या एरो एरो क्या बताता है विक्टर क्वांटिटी यू आर वी मींस मैग्नीट्यूड तो होगा बट डायरेक्शन भी आ जाएगा तो ये क्या होगा सोज द इनर्सी ऑफ डायरेक्शन और इट मींस दैट अप्लाइड फोर्स इज जीरो डायरेक्शन रिमेन सेम अप्लाइड फोर्स जीरो है और डायरेक्शन बॉडी की क्या होगी सेम होगी जो स्टार्टिंग की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा तो वही डायरेक्शन होगा तो ये अपना सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को प्रूफ हो गया ठीक है नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन है कुछ रिलेटेड टू दैट लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है अ अंस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास फाइव के जी देखो सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट है जिसकी मास कितनी है फाइव के जी है और उसके ऊपर कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है वी आर नॉट नोइंग फोर्स तो एफ एफ ले लिया मैंने है ना और उसमें जो इट फोर टाइम ड्यूरेशन टी इज इक्वल टू टू सेकेंड टू सेकेंड के लिए ये फोर्स लगा है ना और इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम थ्री मीटर पर सेकेंड टू सेवन मीटर पर सेकेंड मीन इनिशियली बॉडी थ्री मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और फाइनली वो हो गया सेवन मीटर पर सेकेंड जब ये फोर्स लगा तो बॉडी की मोशन स्टार्ट हुई मोशन में बॉडी था थ्री मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग में जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ देन आफ्टर फोर्स लगा तो आफ्टर टू सेकेंड बॉडी की वेलोसिटी हो गई सेवन मीटर पर सेकेंड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स ये एफ <coughs> कितना लगा यही बताना आपको क्लियर है देन आफ्टर दैट द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर

मास मास कितना फाइव वी कितना है सेवन यू थ्री डिवाइडेड बाई टी टू सेकेंड तो दिस इज फाइव इंटू फोर बाई टू विच इज टू दिस इज फाइव इंटू टू टेन न्यूटन फोर्स कितना लगा टेन न्यूटन का फोर्स लगा है ना क्लियर है तो ये फोर्स निकल गया अब बोल रहा सेम फोर्स लग रहा बॉडी की मास भी सेम है और उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है थ्री मीटर पर सेकेंड तो मेरे को बोल रहा है कि आफ्टर फाइव सेकेंड उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी तो देखो वी इज इक्वल टू या आपने पढ़ रखा है इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद होगा ठीक है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी तो इस एक्सप्रेशन को चेंज करोगे तो v U आता अब यहाँ पे v निकालना यू मेरे को पता है पता पता है A पता है, A पता है ना एक्सीन नहीं पता कोई बात नहीं क्या होगा फोर्स बाई टेन न्यूटन फाइव मास फाइव के जी टू के एक्सिलेशन इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो देखो यू की वैल्यू थ्री प्लस टू टाइम बोला फाइव सेकेंड दिस इज फाइव

देन आफ्टर दैट एक्सिलेशन निकालेंगे और वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लगाएंगे और अपना वेलोसिटी मेरे को मिल जाएगा क्लियर है नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वुड रिक्वायर्ड अ ग्रेटर फोर्स बोला किसको ग्रेटर फोर्स की जरूरत है और कंडीशन क्या है 2 टू मास एट फाइव मीटर पर सेकेंड केस वन मास कितना दे रखा टू के और इसका एक्सीलरेशन क्या है फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा केस मास और एक्सीलरेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना टू के जी इंटू फाइव विच इज इक्वल टू टेन न्यूटन

एक्सीलरेट करने के लिए मेरे को ज्यादा फोर्स की जरूरत होगी एस कंपेयर टू 4 केजी मास को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करने में क्लियर है नेक्स्ट अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ गिव्स अ मास m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक मास m1 है इसके ऊपर फोर्स लगा है फाइव न्यूटन का तो इसकी एक्सीलरेशन हो जाती है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्स एम टू एंड एक्सीलरेशन ट्वेंटी मीटर स्क्वायर फोर्स इज इक्वल टू जब फाइव न्यूटन सेम फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन किसके ऊपर एम टू के ऊपर तो एक्सीलरेशन हो जाता है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब बोल रहा है कि वॉट वुड बी दट वुड बी इट जोड़ दिया गया एड कर दिया गया टाइट कर दिया गया बांध दिया गया तो इन दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा जब सेम फोर्स इस पे लगेगा तो एम वन एम टू पता है क्या नहीं पता तो देखो सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सीन तो एम इज इक्वल टू क्या होगा एफ अपॉन ए

तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन एक्सीन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास बड़ा मास क्यों ले रहा हूं क्योंकि दिस इज सम ऑफ टू स्मॉल फोर्स कितना है फाइव न्यूटन कैपिटल मास कितना है थ्री बाई फोर विच इज ट्वेंटी अपॉन थ्री फोर ऊपर चला जाएगा फोर इंटू फाइव ट्वेंटी अपॉन थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसे कैलकुलेट करोगे तो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा so, together, Next, force, तो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ बोथ मास वे टाइट टूगेदर है ना नेक्स्ट इंपल्स ऑफ फोर्स ठीक है इंपल्स तो क्या होता है इंपल्स और इंपल्स ऑफ फोर्स अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम ऑफ टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स मतलब इम्पल्स क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करे किसी बॉडी पे थोड़े समय पे ठीक है थोड़े टाइम के लिए और वो प्रोड्यूस करे फाइनाइट कुछ ना कुछ मोमेंटम में चेंज जैसे आप कैरम की कैरम की क्वीन को या कि स्ट्राइकर को हिट करते हो ना तो थोड़े टाइम के लिए आपने फोर्स लगाया बट बहुत ही ज्यादा लगाया और उसकी चेंज होते ना मोमेंटम चेंज आते ना उसके तो ये क्या होता, impulsive force होता, होता है इम्पल्सिव फोर्स होता है या इम्पल्स होता क्लियर है इंपल्स क्या होता दैट द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स फोर्स है ना तो इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम जिसे लिखा जाता मैथमेटिकली इंपल्स इज इक्वल टू एफ इनटू डेल्टा टी डेल्टा टी इसलिए फोर्स तो बड़ा होगा बट डेल्टा टी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए लगेगा दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डेल्टा टी अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या था दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ से एम बी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टी और ये टी इधर आ गया है ना इसे क्या लिखा जा सकता है चेंज इन मोमेंटम एफ टी यहां से इंपल्स की एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का सेकंड दैट्स व्हाई दिस इज न्यूटन सेकंड और सीजीएस में क्या हो जाएगा डाइन हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा आपको याद होगा मोमेंटम में एक और यूनिट था न्यूटन सेकंड वो यहीं से आया था क्योंकि यही चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है

चलो इंपल्स हो गया नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंपल्स देखते हैं क्या होता कैचिंग द बॉल बाई अ क्रिकेटर क्रिकेटर को देखो कैच करते बॉल जब फील्डिंग करते हैं तो तो बॉल को कैच करने के बाद ऐसा नहीं कि हाथ को वहीं रखते थोड़ा पीछे की तरफ खींचते वो तो उसके पीछे रीजन क्या है वाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल द प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर कैचिंग द बॉल बाय मूविंग हिज हैंड The cricket, the cricketer increases the time. As a result, he has to apply a small force on the ball. In reaction, the ball also apply lesser force on the hand. So the player are not injured. देखो, अभी आपने impulse is equal to लिखा था force into dt. ठीक है? Ball जितना तेजी से hit किया है, या उसने आया हाथों पे टकराया, तो जितना तेजी से hit किया है उस टाइम पीरियड को उसने क्या किया इंक्रीज कर दिया जब टाइम पीरियड को इंक्रीज कर दिया तो इंपल्स इफेक्ट क्या हो गया वो डिक्रीज हो गया है ना होगा ना क्यों <coughs> क्योंकि टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया तो जो फोर्स लगने वाला था वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया तो इफेक्ट उसके जो असर होते इफेक्ट होते हाथ पे वो कम हो गया देन आफ्टर दैट सॉफ्ट मटेरियल पैकिंग आप देखते हो ग्लास है ना चाइना एंड ग्लास वेयर पैक्ड विथ सॉफ्ट मटेरियल When जब चीज को ग्लास को या आप लोग देखे हो चिमनी के बने जितने भी होते पॉट वगैरह होते उनको जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता तो उससे पैकिंग की जा सक की जाती सॉफ्ट मटेरियल से है ना मे बी थर्मोकॉल यूज होते हैं मे भी आपने देखा होगा एक प्लास्टिक की बबल्स बने होते हैं है ना तो ये सारे यूज होते हैं क्यों क्योंकि जो वो जर्क फील करेगा है ना कोलाइड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन बट सॉफ्ट पैकिंग मटेरियल स्लो डॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स ऑफ इंपैक्ट इज रिड्यूस्ड एंड द आइटम नॉट मैंने बोला पीरियड बढ़ जाएगी इंपैक्ट जो होगा फोर्स का वो कम हो जाएगा है ना इस वजह से क्या किया जाता है पैकिंग किए जाते हैं सॉफ्ट मटीरियल से क्लियर है थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम तो so, सबसे पहले न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं फर्स्ट लॉ हमने देख लिया सेकंड लॉ भी देख लिया अब थर्ड लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या है सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं द लॉ स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड रिएक्शन ठीक है ये सबको याद भी रहता लेकिन इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता कैसे डिफिकल्ट होता स्टेटमेंट है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है ना <coughs> तो देखो क्या है मोर ओवर एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी दो बॉडी होगी एक पे एक्शन एक्ट act करेगा तो दूसरे बॉडी पे क्या होगा रिएक्शन एक्ट करेगा क्लियर है कैसे डेमोस्ट्रेशन आप उसके देखो एक वॉल है वेन बॉल स्ट्राइक द वॉल द फॉलोइंग हैपन क्या होगा जब ये बॉल आएगा ठीक है तो बॉल आएगा तो दीवार पे क्या करेगा हीट करेगा तो जब हीट करेगा तो ये क्या होगा फोर्स ऑफ एक्शन एक्शन फोर्स क्या फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द वॉल जब वो हीट करेगा तो बॉल जो वॉल पे फोर्स लगाएगा दैट इज द एक्शन और second होगा क्या दैसे हीट करेगा वॉल क्या करेगा बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगा इक्वल और अपोजिट तो वो क्या होगा रिएक्शन होगा तो रिएक्शन फोर्स क्या होता है फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द बॉल ड्यू टू दैट रिएक्शन फोर्स है ना द बॉल बॉन्स बैक तो होगा क्या जितना फोर्स बॉल आया दीवार पे टकराया तो दीवार पे फोर्स लगा अब दीवार ने उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बॉल पे लगाया जिसके वजह से बॉल क्या होता होता बैक एक्शन क्या हुआ जब बॉल ने दीवार पे फोर्स लगाया जब दीवार ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया दैट इज कॉल्ड रिएक्शन क्लियर है दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे ना एक बॉल की वजह से दीवार के ऊपर और दूसरा दीवार के वजह से बॉल के ऊपर अब इसके डेमोस्ट्रेशन के लिए और भी एक्सपेरिमेंट है हमारे पास देखो दो स्प्रिंग सिस्टम है ठीक है ये अपना स्प्रिंग सिस्टम और ये अपना स्प्रिंग सिस्टम बेसिकली आपने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस है ना वही स्प्रिंग बैलेंस है <coughs> और एक हुक को फिक्स्ड वॉल से कनेक्ट कर दिया गया दूसरे हुक को दूसरा स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट किया गया और इधर

ऐसा हो ही नहीं सकता रिएक्शन होगा ही होगा उसके लिए एग्जाम्पल देखो अ नेल कैन नॉट बी फिक्स ऑन suspended wooden बॉल ठीक है बॉल <coughs> या बोल सकते हो वॉल जैसे मान लो एक वुडन है उड का ऐसे आपने रस्सी से लटका दिया उसके ऊपर नेल को देखो हैमरिंग करो वो फिक्स नहीं होगा वो उड आगे चला जाएगा क्यों क्योंकि नेल से एक्शन तो लग रहा है बट वो रिएक्शन ही नहीं दे पा रहा जिसकी वजह से उड में नेल अंदर जाएगा ही नहीं सेकेंड अ पेपर कैन नॉट बी कट बाई ऑफ सिंगल ब्लेड एक ब्लेड से पेपर कभी कट नहीं हो सकता क्यों क्योंकि जैसे आप फोर्स लगाओगे एक्शन लगेगा बट पेपर रिएक्शन ही नहीं दे पाएगा जिस वजह से क्या होगा कट हो, होगा ही नहीं है ना अब कुछ नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एक्शन एंड रिएक्शन आर नॉट बैलेंस एक्शन और रिएक्शन बैलेंस नहीं होते है एक्शन रिएक्शन दो इक्वल एंड अपोजिट दो होंगे, होंगे, बॉडी में लग रहा है और दोनों बॉडी मिलकर सिंगल सिस्टम बनाएगा तो यह क्या होगा बैलेंस हो जाएगा क्लियर है तब बैलेंस फोर्स बनेंगे वो लोग नाउ नेक्स्ट अब एग्जाम्पल देखो न्यूटन के जो एक्शन और रिएक्शन के पेयर बनते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है डेली लाइफ में अपना तो फर्स्ट स्विमिंग ऑफ अ मैन देखते बैकवर्ड एक्शन हुआ वाटर रिप्लाई में क्या करता है रिएक्शन लगाता ठीक है ना एंड वाटर पुशेस मैन फॉरवर्ड दैट इज द रिएक्शन तो ये थर्ड लॉ से ही क्या है स्विमिंग करना पॉसिबल है वॉकिंग ऑफ मैन मैन पुसेस द अर्थ बिहाइंड फ्रॉम राइट फूड एक्शन एंड अर्थ पुसेस इट मैन फॉरवर्ड एंड दैट इज रिएक्शन देन वी कैन एबल टू वॉक है ना एक्चुअली होता क्या जैसे आप जिधर पुश करोगे पीछे की तरफ तो ये एक्शन हुआ अर्थ भी क्या करेगा आपको पुश करेगा वो रिएक्शन होगा इसके वजह से क्या होता मूव करना पॉसिबल हो पाता क्लियर है मैन एन बोट ए मैन इन अ बोट नियर द रिवर बैंक इज एटरेस्ट एक बोट है और रिवर नदी के किनारे बैंक ऑफ द रिवर नदी के किनारे रेस्ट के कंडीशन में टू रीच द बैंक द द द द मैन 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 बोट बोट बैकवर्ड फॉरवर्ड लैंडेड ऑन बैंक ये बोल क्या रहा है जैसे कि मान लो आप देखते हो बोट जब बैंक के किनारे आता है तो आप जंप लगा करके आगे आते हो तो जो आपने जंप लगाया तो पैर से आपने क्या किया कि पुश किया बोट को दैट इज एक्शन और बोट ने आपको पुश किया दैट इज रिएक्शन और आप बाहर आ गया क्लियर है तो ये हो गया एप्लीकेशन इन डेली लाइफ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ऑफ लिनियर मोमेंटम न्यूटन की थर्ड लॉ हो गई अब बात करते हैं का. का <coughs> ना ये आपने पढ़ रखा अभी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो यहां से टाइम को इधर ले गया, गया ठीक है फोर्स और टाइम इधर आ गया तो क्या बच गया आपका फोर्स इन टू टाइम टू चेंज इन मोमेंटम अब फोर्स को जीरो कर दिया गया <coughs> तो मोमेंटम का जो चेंज होगा वो क्या होगा जीरो हो जाएगा <coughs> देखो एक्सप्लेनेशन में भी दिख जाएगा इफ द फोर्सेस अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज जीरो किसी भी बॉडी पे जो फोर्सेस लग रही है वो जीरो है देन इट मोमेंटम विल बी कंजर्व तो उसकी मोमेंटम क्या होगी

सारे का अलग अलग जो चेंज इन मोमेंटम होगा ठीक है वो आप उसको यूज करके वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर सकते हो मींस दैट मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट सिस्टम सेकेंड सिस्टम ऑल सारे को ऐड करोगे तो वो कंजर्व रहेगा क्लियर है इफ ऑनली इंटरनल फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ सिस्टम देन इट्स लिनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व बेसिकली यहाँ पे जो अभी आप फोर्स को जीरो करते हो वो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होते हैं

क्लियर है तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए ए की बात करें ये ऑब्जेक्ट की तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा इसका फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम तो फाइनल मोमेंटम यही होगा एम वन वी वन और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा एम वन यू वन है ना तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टी तो यही लिखा गया एक्सप्रेशन अब द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी अब बी की बात करते हैं तो इसका फाइनल क्या होगा दैट इज फाइनल होगा दैट इज एम टू वी टू और इनिशियल क्या होगा एम वन एम टू यू टू तो फाइनल एम टू वी टू माइनस एम वन एम टू यू टू देखो आ गया तो फोर्स ऑन ए बाई बी ए बाई बी बी ए के ऊपर भी फोर्स लगाएगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया दैट इज एम टू वी टू माइनस एम एम टू यू टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी डिवाइडेड बाई टाइम अब न्यूटन के थर्ड लॉ क्या बोले हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए तो इक्वल है इक्वल टू साइन ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में दैट्स वाई नेगेटिव साइन इज देयर ठीक है नाउ <coughs> अब आपको मालूम था अभी लिखा गया था एक्सप्रेशन एफ एक्सटर्नल इज देन आप ये एक्सप्रेशन लिखते हो ना एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम या डेल्टा टी तो देखो एफ एक्सटर्नल ये टर्म जीरो हो गया कोई बाहर से फोर्स ही नहीं लग रहा तो यहाँ पे क्या होगा ये जीरो हो गया तो डेल्टा टी आएगा जीरो तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा जीरो तो चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखा जाता फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू तो इसको क्या लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम वही काम यहां पे भी किया गया ठीक है फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम लिखा गया है. तो फाइनल मोमेंटम इस बॉडी का एम टू वी टू माइनस एम टू चेंज इन मोमेंटम जो था ठीक है दैट इज इज डिवाइडेड टी इक्वल टू फोर्स के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फोर्स ये फोर्स लिखते हो ना एफ वन इज इक्वल टू लिखते हो आप डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी तो डेल्टा टी की जगह टी लिखा गया एफ वन के लिए लिखा गया M1 वन वी वन माइनस एम टू वी टू और एम टू वी टू माइनस एम यू टू वी टू एफ टू के लिए डिवाइडेड बाई टाइम टाइम से टाइम कैंसिल हो गया था एम वन बी वन माइनस एम टू यू टू इज इक्वल टू एम टू वी टू प्लस एम टू यू टू अब देखो यहां से क्या किया गया ये टर्म जो है ठीक है एक साइड में U और इनिशियल जो बॉडी की इनिशियल मोमेंटम थी और फाइनल मोमेंटम थी वो एक साइड में रखा गया मीन्स फर्स्ट वाले बॉडी का इनिशियल मोमेंटम सेकेंड वाले बॉडी का इनिशियल मोवमेंटम इज इक्वल टू फर्स्ट वाले बॉडी का फाइनल मोमेंटम इज इको प्लस सेकेंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम यही है ना फाइनल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ये प्रूफ हो गया और ये कब होगा जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा ठीक है यहां से भी कर सकते हैं एफ वन इज इक्वल टू एफ टू वो वाली भी नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है सम एग्जाम्पल ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो देखो रिक्वायल ऑफ गन गन जब फायरिंग की जाती है गन से जब बुलेट निकलते हैं तो बुलेट की मास और उसकी वेलोसिटी उस वक्त आप देखना गन पीछे जो पर्सन होल्ड किया रहता है पीछे की तरफ गन की आती। तो होता क्या है

तो अंदर कार्टेज में जो, जो पाउडर होती है उससे क्या होता है वहां पे एक्सप्लोशन होता है और द बुलेट मूव फॉरवर्ड विथ हाई वेलोसिटी एंड द गन मूव बिहाइंड विथ अ लेस वेलोसिटी तो जैसी वहां पे फायरिंग होगी बुलेट आगे की तरफ जाएगा हाई स्पीड से और गन पीछे की तरफ जाएगा विथ लेस स्पीड लेसर स्पीड धीरे जाएगा ठीक है लेट द बुलेट एंड द गन हैव मास एम एंड कैपिटल एम कैपिटल एम इज द मास ऑफ गन और स्मॉल एम इज द मास ऑफ बुलेट लेट द बुलेट मूव विद फॉरवर्ड विद वेलोसिटी वी एंड गन मूव बैकवर्ड विद वेलोसिटी वी ये स्मॉल वी से मूव कर रहा बुलेट और ये कैपिटल वी से पीछे की तरफ बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है ना दे रखा हुआ अब द फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट इज एमवी प्लस एमयू है ना फाइनल क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो होगा ही नहीं दोनों की वेलोसिटी जीरो है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसकी मास और इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी मास और इसकी वेलोसिटी अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने देख लिया कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम नाउ आफ्टर दैट इनिशियल मोमेंटम जीरो फाइनल मोमेंटम इज एमवी प्लस एमयू और वी की वेलोसिटी वेलोसिटी किसकी दैट गन की इज इक्वल टू माइनस मास इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन ठीक है तो ये हो गया मींस दिस इज नेगेटिव साइन शोस कि बुलेट इधर आगे जाएगा तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा है ना नेगेटिव साइन यही शो कर रहा और इस वेलोसिटी से आपका रिकॉइल होगा सेकंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो दैट इज द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट द मोमेंटम ऑफ रॉकेट बिफोर इट इज फायर्ड इज जीरो रॉकेट जब स्टार्टिंग में जब वो फायर्ड नहीं होता है तो उसकी मोमेंटम जीरो होती है क्यों जीरो होती है क्योंकि उसके अंदर का जो सिस्टम फ्यूल वगैरह या पूरा सिस्टम ही रेस्ट पे है तो वेलोसिटी है ही नहीं मास होने से क्या होगा वो रेस्ट पे ही होगा नाउ वेन द रॉकेट इज फायर्ड जैसी रॉकेट फायर होगा द गैस आर प्रोड्यूस्ड गैस इजेक्ट होंगे ना इजेक्ट होना स्टार्ट करेगा द गैसेस कम्स आउट ऑफ द रियर ऑफ द रॉकेट विध हाई स्पीड गैस देखते पीछे की तरफ कंबशन है ना वो पीछे की तरफ निकलना स्टार्ट करते द डायरेक्शन ऑफ 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 मोमेंटम कमिंग आउट द रॉकेट इज इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन अभी मैंने बोला कि जो इजेक्शन निकल रही है वो डाउनवर्ड डिरेक्शन में निकल रही है दस टू कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम द रॉकेट प्लस गैस द रॉकेट मूव अपवर्ड विथ मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गैस जितना नीचे मोमेंटम था कंजर्वेशन के लिए क्या करेगा वो ऊपर की तरफ उसी मोमेंटम से मूव करना स्टार्ट करेगा सो द रॉकेट कंटिन्यू टू मूव अपवर्ड एज लॉन्ग एज द इजेक्टेड आउट ऑफ द रॉकेट इसीलिए जब तक गैस बाहर निकलते रहेंगे इजेक्ट होते रहेंगे तब तक रॉकेट का प्रपोलशन होगा क्लियर है दस रॉकेट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और यही है कि रॉकेट किस पे वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है क्लियर है नाउ चलो क्वेश्चन हमारे पास आया अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम एक बुलेट है जिसकी मास है 20 ग्राम इसको केजी में कन्वर्ट कर देते 20 इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री केजी जी इज ओरिजेंटली फायर्ड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड और ओरिजेंटली फायर्ड किया गया 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास टू के जी और पिस्टल की मास दे रखी है टू के जी देखो स्मोल एम और लिख रहा हूं इसके विलोसिटी के लिए तो देखो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है क्या होगा अभी आपको लिख के दिया गया था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल आपने एक्सटर्नल कोई फोर्स लगाया नहीं जीरो लगा तो यहां से क्या आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो होगा तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा इनिशियल मोमेंटम अब मेरे को बताओ इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं तो मास ऑफ गन इनटू उसकी वेलोसिटी जीरो थी प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी इनिशियली कुछ मोशन नहीं हो रहा था किसी का जैसे ही फायर हुआ तो मास ऑफ बुलेट क्या है स्मॉल एम उसकी वेलोसिटी प्लस मास ऑफ गन और उसकी वेलोसिटी होगा है ना और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से मैं लिख सकता हूं दैट इज ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो दैट इज इक्वल टू एम बी प्लस एम बी इधर से मैं लेकर के आ सकता हूं क्या एम बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम वी तो इज इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन एम तो अब सारे की वैल्यू पुट करो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 150 मास ऑफ गन कितना टू के जी ये टू से कट गया टेन आ गया और ये कितना हो जाएगा देखो यहां से है ना टेन हो गया और ये माइनस साइन होगा है ना माइनस तो यहां पे हो जाएगा दैट इज वन जीरो टू जीरो टू के जी है ना हाँ ट्वेंटी ग्राम टू के जी तो इसको ऐसा करते हैं ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं वन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड है तो दो जीरो कैंसिल हो गया माइनस वन आया माइनस वन 1.5, फाइव और नेगेटिव साइन मतलब क्या है बुलेट इधर फायर हुआ है इस डायरेक्शन में बुलेट है तो गन इस डायरेक्शन में होगा मीन्स ये यू है तो ये, ये स्मॉल वी है तो ये कैपिटल भी होगा इसीलिए नेगेटिव साइन आया क्लियर है नाउ वन पॉइंट फाइव है ना नेक्स्ट क्वेश्चन अ गर्ल ऑफ मास फोर्टी के जी एक गर्ल है जिसकी मास क्या है फोर्टी के जी है जंप विथ होरिजेंटल वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड और वो हॉरिजेंटल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से जंप करती है ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट कार्ट मतलब देखो ना वो ठेला गाड़ी जो होते हैं जिसमें एप्पल वगैरह रखा होता है कार्ट उसके ऊपर जंप करती है और फ्रिक्शनल लेस व्हील होता है व्हील के और सरफेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगता फ्रिक्शन लेस होता द मास ऑफ कार्ट कार्ट की मास दे रखी 3 केजी व्हाट इज हर वेलोसिटी एज़ द कार्ट स्टार्ट मूविंग मतलब स्टार्टिंग में कुछ उसका कंडीशन ये था वो वी वेलोसिटी से आई और ये कार्ट के ऊपर वो बैठी यही था कार्ट इनिशियली क्या था रेस्ट पे था अब जैसे वो जंप लगाई फ्रिक्शन लेस सर्फेस पे था तो वो कार्ट के ऊपर कार्ट और सिस्टम कंप्लीट मोशन में आ गया है ना वॉट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग एज्यूम दैट देर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द डायरेक्शन ओरिजेंटल डायरेक्शन और कोई उसमें फोर्स नहीं लग रहे तो देखो इसका मास मैंने एम लिया और इसकी वेलॉसिटी यू लिया इसका मास को मैंने कैपिटल एम लिया और इसकी वेलॉसिटी को मैंने वी लिया है न तो ये जीरो वेलासिटी स्टार्टिंग में और ये यू वेलॉसिटी से मूव कर रहा है जिसकी वैल्यू फाइव मीटर पर सेकेंड अब इस सिस्टम में देखो ये कंप्लीट काट और ये गर्ल जिसकी मास को मैं बोल दे रहा हूं एमडे और ये कितना होगा दैट इज देखो फोर्टी के जी की मास और थ्री के जी काट का तो ये कितना होगा फोर्टी थ्री के जी और ये दोनों साथ में मूव करेगा वी वेलोसिटी से मैं सपोज बड़ा वेलोसिटी वी ले रहा हूं तो इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम कितना होगा दैट इज एम यू प्लस एम वी तो so, एम की वैल्यू कितनी है फोर्टी के जी का इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी है फाइव प्लस कार्ट का मास कितना है थ्री के जी बट इनिशियली वो रेस्ट पे है तो so, ये कितना होगा टू हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम आ गया फाइनल मोमेंटम की बात करें फाइनल मोमेंटम की बात करें तो फाइनल देखो सिस्टम अपना ये बन गया कार्ट और वो जो गर्ल है दोनों खड़ा होके सिस्टम बने तो एम डैश इंटू वी एम डेस की वैल्यू कितनी है फोर्टी थ्री वी नहीं मालूम अब देखो दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू अकॉर्डिंग फ्रॉम वन एंड टू वॉट वी कैन से पी आई इज इक्वल टू पी एफ बोल सकते ना पी आई कितना 200 टू हंड्रेड के जी मीटर पर सेकेंड और पी एफ कितना है फोर्टी थ्री वी ठीक है तो देखो पी आई मेरा था दैट इज 200 है ना 200 ही था ना 200 kg मीटर पर सेकेंड और pf कितना था फाइनल मोमेंटम दैट इज 43 वी अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो दिस इज 200 इज इक्वल टू 43 वी वी को क्या लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 43 सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 4.6 7 और ये प्लस में आ रहा है, मीटर पर सेकेंड क्लियर है <coughs> तो ये आ गया वैल्यू अब यहां पे देखो प्लस आ रहा मतलब क्या हुआ जो गर्ल थी वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी और काट रखा हुआ था जैसे वो जंप लगाई इसी डायरेक्शन में जंप लगाई और कार्ड भी मूव करना स्टार्ट किया इसी डायरेक्शन में इसीलिए ये पॉजिटिव आ रहा क्लियर है मतलब जिस डायरेक्शन में इनिशियल था उसकी वेलोसिटी फाइनल भी उसका उधर ही है अभी है ना रिकॉयल वाली कॉन्सेप्ट नहीं है ये क्लियर है तो दिस इज द लॉज ऑफ मोशन हमने तीनों लॉ को कवर करा है ना फोर्स के बारे में स्टार्टिंग में डिस्कस करा देन लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बताया देन आफ्टर दैट इनर्सिया के बारे में बताया देन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डील करने के लिए हमें पता होना चाहिए मोमेंटम जो जो भी वो भी वो मैंने बताया क्लियर है ना देन आफ्टर दैट लॉ को एक्सप्लेन करने के बाद आर द बेसिक जो बेसिकली जो हमें पढ़ना है तभी जाकर के ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे क्लियर है सो दिस इज ऑल अबाउट दैट force and laws of motion. Thank you.